प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के रोहतक में चुनावी बिगुल फूंका। पीएम मोदी ने विजय संकल्प रैली में शिरकत कर सीएम मनोहर लाल की जन आशीर्वाद यात्रा का समापन किया। रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि हरियाणा को डबल इंजन की सरकार का फायदा मिला है। सीएम मनोहर लाल ने जन आशीर्वाद यात्रा का समापन करने के बाद पीएम मोदी के साथ विजय संकल्प रैली को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने पूरे हरियाणा को अपना परिवार माना है और पिछले 5 साल में हर विधानसभा में करोड़ों रुपयों का विकास किया गया, न कि विपक्ष की तरह हमने परिवार या भाई भतीजावाद किया। पीएम ने रोहतक में विजय संकल्प रैली को संबोधित किया, जिसके बाद पीएम मोदी ने करोड़ों रुपयों की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करके हरियाणा वासियों को अनेक सौगातें दी। इस मौके पर सीएम मनोहर लाल के साथ कई मंत्री भी मौजूद रहे। कैथल के विधायक और राष्ट्रीय मीडिया कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने बीजेपी पर तंज कसा। उन्होंने नरेंद्र मोदी, मोहन भागवत और हरियाणा सरकार को आरक्षण विरोधी बताया। उन्होंने मोदी जी और सीएम से सवाल किया कि पिछड़ा वर्ग राजनीतिक शोषण, आर्थिक अनदेखी और प्रशासनिक उपेक्षा का शिकार क्यों हुआ है। फरीदाबाद पहुंचे हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बीजेपी पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि बीजेपी कुछ भी कह सकती है, हरियाणा में कुल 90 सीटें हैं, लेकिन बीजेपी तो अपने आप को 110 सीटें मिलने का दावा भी कर सकती है। वहीं अशोक तंवर पर उन्होंने कहा कि जैसा भी है कांग्रेस ही है और हम मिलकर विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। स्वराज इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष योगेंद्र यादव ने पंचकुला में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान योगेंद्र यादव ने प्रदेश की बीजेपी सरकार पर जमकर निशाने साधे। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने जो वादे किए थे वो पूरा करने में वो नाकाम रही। बीजेपी आगामी चुनाव में जो वादे कर रही है उनका भी जमीनी हकीकत से कोई लेना देना नहीं। पीएम मोदी के देश में प्लास्टिक मुक्त अभियान को पूरा करने के लिए हरियाणा सरकार कमर कस चुकी है। कृषि मंत्री ओपी धनखड़ ने लोगों को प्लास्टिक की जगह कपड़े का थैला इस्तेमाल करने की सलाह दी। कृषि मंत्री ने बताया कि बादली में लोगों को प्लास्टिक की जगह थैला इस्तेमाल करने के लिए वो घर घर थैला बांटने का अभियान चलाएंगे। बीजेपी नेता और हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष कंवरपाल गुर्जर ने बीजेपी में शामिल होने पर सुमित्रा चौहान का स्वागत किया। साथ ही कहा कि जो नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं इसकी कोई गारंटी नहीं है कि उनको विधानसभा चुनाव में टिकट मिल ही जाए। बीजेपी ने किसी से भी टिकट का वादा नहीं किया है। हरियाणा के गन्नौर में देर रात एक पति पत्नी के मर्डर होने से गांव में सनसनी फैल गई। मामले की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और फिर शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है, लेकिन अभी तक मर्डर के कारणों का पता नहीं चल सका है। गुरुग्राम में पुलिस ने एक नकली आईपीएस को गिरफ्तार किया, जो आईपीएस बनकर लोगों के साथ धोखाधड़ियां किया करता था। आरोपी पहले भी धोखाधड़ी के मामले में जेल जा चुका है और इसका साथी अभी भी जेल में है। ऐसे में पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और पुलिस को उम्मीद है कि इससे और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं।